खतरनाक कोविड-19 महामारी के बीच कनाडा में एक रहस्यमयी मस्तिष्क रोग के कारण दहशत फैल गई है। अब तक इसके 48 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें अनिद्रा, अंगों में दर्द और मतिभ्रम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिक तट पर स्थित कनाडा के न्यू ब्रसेल प्रांत में एक रहस्यमय बीमारी के मरीज मिले हैं। मरीज सपने में मरे हुए लोगों को देखते हैं। इसके बाद से कनाडा के लोगों में डर पैदा हो गया है। हालांकि कनाडा के कई न्यूरोलॉजिस्ट बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह बीमारी सेलफोन टावरों के रेडिएशन से फैली है। वहीं कई वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बीमारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का, हालांकि इनमें से किसी भी दावे की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कनाडा में यह बीमारी करीब 6 साल पहले फैलने लगी थी। दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, जिनमें से 6 की मौत भी हो गई थी। लेकिन 15 महीने पहले ही कोविड वायरस महामारी का कहर शुरू हो गया, जिससे लोगों और स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान इस बीमारी से भटक गया था। हालांकि इतने समय तक इस बीमारी का अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिकों के पास इस बीमारी का नाम तक नहीं है। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बीमारी पर्यावरण से फैल रही है, क्या ये अनुवांशिक है, क्या ये मछली या हिरण के मांस खाने से फैलती है, ये सब नहीं तो और क्या है। लेकिन वैज्ञानिक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। इस रहस्यमय बीमारी के बारे में सार्वजनिक जानकारी मार्च में तब आई जब न्यू ब्रंसिव के मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उल्लेख किया। डॉक्टरों का कहना है कि इस पर धीमी प्रतिक्रिया वैश्विक महामारी के दौरान अन्य चिकित्सा स्थितियों की चुनौती को रेखांकित कर रही है। विज्ञान में असाधारण प्रगति के बावजूद हम मानसिक रोगों या तांत्रिक संबंधी रोगों के जानकारी में अभी भी पीछे हैं। ऐसे खेड़े चे कोई वे राजा दे कोई वे प्यादा, प्यादे दे राजा खेडारी ले हुंदे खेडाउना, ते मैं कितने फैसले किन्या नू एथे खेडाउना, ते मैं ही खेडारिया नू खेड़े सिखाउना।